क्या औरतें कब्रों की जियारत कर सकती हैं? तो उसका जवाब यह है कि शरीयत में अक्सर जो अहकाम हैं वो मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं, यानी दोनों शरीक हैं उस हुक्म में, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना। लेकिन कुछ ऐसे अहकाम हैं जो मर्दों के लिए ख़ास हैं, उसमें औरतें शामिल नहीं हैं, और कुछ ऐसे अहकाम हैं जो औरतों के लिए ख़ास है, उसमें मर्द हजरात शामिल नहीं हैं। उन अहकाम में से जो मर्दों के लिए ख़ास है, ये कब्रों की ज़ियारत करना। तो कब्रों की ज़ियारत करना मर्दों के हक़ में मुस्तहब है, लेकिन औरतों के हक़ में सही जो मसला है कि यह हराम है, नाजायज़ है। और उसकी दलील नंबर एक, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लअन ज़ाइरातिल क़ुबूर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत के लिए जाने वाली औरतों पर लानत की है। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न हिब्बान। ऐसे ही नंबर दो, औरतें कमज़ोर होती हैं और वहाँ अगर वो पहुँचेंगी, खुसूसन जब अपने करीब के दफन के वक्त या करीब की ज़ियारत के वक्त, तो बेसब्री होती हैं और ऐसे ही चीखने चिल्लाने लगेंगी, इसका काफ़ी इम्कान है। बल्कि उनकी ज़ियारत में फितने का भी एक अहम सबब है। और जहाँ तक रहा कब्रों की ज़ियारत का मकसद कि मुर्दों के हक़ में दुआ की जाए और ऐसे ही आखिरत याद की जाए, तो बग़ैर कब्रों की ज़ियारत किए हुए भी वो मुर्दों के हक़ में दुआ कर सकती हैं और ऐसे ही आखिरत याद कर सकती हैं।